Hey, hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, have you ever heard about the word neither nor and either or? Suna bhi hoga shayad. So today I am going to teach you about the neither nor and either or, use of neither nor and either or. Okay friends, let's start the class of the day. Come, this is either or, neither nor, means either or, ya to ya, or neither nor means na to na. इसका मतलब ये होता है, but हम sentences में किस तरह से इसका हम इस्तेमाल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं. आप चाय या कॉफी इनमें से एक ले सकते हैं. आप चाय या कॉफी इनमें से एक ले सकते हैं. तो यू कैन टेक इधर टी और कॉफी. हम सिंपली क्या बोलते हैं कि यू कैन टेक टी और कॉफी, ठीक है फ्रेंड्स, यही बोलते हैं ना. बट अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है फ्रेंड. यू कैन टेक इधर टी और कॉफी. दूसरा क्या है, वह न तो खा सकता है न पी सकता है. ही कैन नीदर ईट नॉर ड्रिंक. सॉरी, यहाँ पे हमने टी लिखा है, यहाँ पे आर होगा. ही कैन नीदर ईट नॉर ड्रिंक, ठीक है फ्रेंड. अब बस ये समझना है कि नीदर नॉर और इधर और का इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरह से करते हैं और कहाँ लिखते हैं. या तो तुम्हारी या फिर मेरी गलती है. तो या तो, यहाँ पे फर्स्ट में आया ना या तो तुम्हारी, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है या तो, इसलिए हम पहले ही लिखते हैं इधर यू और आई एम रॉन्ग. हरी अथवा मैं किसी का भी दोष नहीं है. इसमें इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ना तो हरी और ना तो मेरा दोष है, किसी का दोष नहीं है. मींस ना तो हरी का दोष है ना मेरा दोष है. हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, नीदर हरी नॉर, क्या हो गया, बार बार टील किया मैं, नीदर हरी नॉर आई एम टू ब्लेम. मतलब हरी अथवा मैं किसी में, दोनों में से कोई भी ब्लेम नहीं है, मींस दोषी नहीं है, ठीक है फ्रेंड. तो इस तरह से हम इधर और निधर नोर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वो या तो डॉक्टर है या वकील, तो कैसे बोलेंगे, ही इज इधर अ डॉक्टर और अ लॉयर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड. या तो राधा और फिर या तो सीमा नाचेगी. इधर राधा और सीमा विल डांस, ठीक है फ्रेंड. तो इस तरह से इधर और निधर नोर का इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इधर और निधर नोर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड. तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी आप इन जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है ना, वो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ना लिखना और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है फ्रेंड. बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, इधर और निधर नोर, इट इज़ नॉट सो हार्ड, इट्स वेरी इजी, ठीक है फ्रेंड. जो दोस्त हमारे रोज़ का क्लास अटेंड करते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको दिल से शुक्रिया. और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना नहीं सीखना चाहते हैं तो नो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ का वीडियो देखिए. मैं वादा करता हूँ कि आपने अगर रोज़ का वीडियो देखा तो आप इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे.
फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नीदर नोर और इधर और का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इधर और नीदर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वैसे सेंटेंसेस पर एक बार नज़र डालते हैं कि वो कौन सी सेंटेंसेस है जिसमें हम सिर्फ नीदर और इधर का इस्तेमाल करते हैं और नोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए, तो इधर और नीदर, और हट गया, इधर से नोर हट गया, तो मैं इन दोनों में से कोई भी सवाल हल नहीं कर सकता हूँ। जब हम कुछ काम करने की बात करते हैं और किसी दो चीज़ों में हम चॉइस की बात करते हैं तो वहाँ पर इधर और नीदर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है कि ये कर सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो उसमें इधर, और नेगेटिव में है कि दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों में से नहीं ले सकते हैं कोई भी, तो उसमें हम नीदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आइए देखते हैं, मैं इन दोनों में से कोई भी सवाल हल नहीं कर सकता हूँ, तो आई कांट सॉल्व इधर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है फ्रेंड, आप दोनों में से कोई भी पेन ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी पेन ले सकते हैं, तो यू कैन टेक इधर पेन्स, बस इतना बोलना काफ़ी है। अब दोनों में से कोई भी पेन ले सकते हैं तो यू कैन टेक वन ऑफ दीज पेन्स, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, और यह भी बोल सकते हैं कि यू कैन टेक इधर पेन्स। कोई भी तरीका आसान नहीं है, तो ये नीदर के लिए नेगेटिव हो गया, इसलिए नीदर हम यहाँ पर लगाएंगे, नीदर वे इज ईजी। अगर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इधर से भी बना सकते हैं, बट नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो नीदर लगाकर हम बना सकते हैं कि नीदर वे इज ईजी। उसकी कोई भी किताब खास नहीं थी, तो नीदर ऑफ हिज बुक्स वॉज स्पेशल। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हम अगर नीदर नहीं लगाते तो इधर अगर लगाते हैं तो इधर लगाते हैं तो फिर नॉट लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम नीदर लगा कर इस्तेमाल करें उसका। तो इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसेज में हम नीदर और इधर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें और या नॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप सेंटेंसेज देख लेना, लिख लेना। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट, और धन्यवाद।